अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक लेक्चर नंबर टू। बेटा कल हमने बात की थी लेक्चर नंबर वन में, चैप्टर नंबर वन, नाइन क्लास में, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में। तो कल हमने मैट्रिसेस के बारे में इसका आइडिया देखा था, ठीक है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखा था, और हमने बात की थी कल के मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, और हमने एक MCQs भी कल किया था। तो आज हम लेक्चर नंबर टू में बात करेंगे टाइप्स ऑफ ए मैट्रिसेस की। तो बेटा सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी हम किसी भी नई चीज को शुरू करते हैं तो उसमें उसकी टाइप्स भी आ रही होती हैं। तो कल हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली थी मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है, कि मैट्रिक्स क्या हैं, उसका ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, उसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी पहली टाइप आती है वो हमारे पास होंगे रो मैट्रिक्स। जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखें कि यहां पे मैंने बात की है कि एक ही रो, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन होगी, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो वो मैट्रिक्स कहलाता है रो मैट्रिक्स। अब बार बार मैं एक लफ्ज पे आपको फोकस करवा रहा हूं, वन रो। बेटा यहां पे हमें कॉलम से मतलब नहीं है, मतलब अगर एक मैट्रिक्स में तीन कॉलम्स हैं लेकिन रो एक ही है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसमें कॉलम दो हो, तीन हो, चार हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, वन रो चाहिए। तो जो एक रो है इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, अब आप देखें 1 5 9, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। कैसे, क्योंकि इसमें एक रो है और कितने कॉलम हैं, तीन कॉलम है। तो कॉलम इसमें दो हो, तीन हो, जितने मर्जी हो, हमें उनसे लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही रो चाहिए। तो देखें इसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं 2 5। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो कल हमने ऑर्डर फाइंड करना सीखा था। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो डिपेंड कर रहा होता है उसके नंबर ऑफ रोज पे और उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स पे। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें एक रो मिल रही है और हमें तीन कॉलम्स मिल रहे हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। इसी तरह अगर बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होगा 1/2, क्योंकि इसमें एक रो है और दो कॉलम्स हैं। तो बेटा अगर हम जनरल ऑर्डर की बात करें कि रो मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर क्या होगा, पेपर में MCQs भी आ जाता है। आपको शायद याद हो कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर हम रोज के लिए M को यूज करें और कॉलम्स के लिए N को यूज करें, मतलब कि ये जनरल लिखने के लिए है, कि अगर कहीं पे हमने किसी जनरल मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो हम आमतौर पे क्या लिख देते हैं, M/N लिख देते हैं। तो इसी तरह अगर हम जनरल ऑर्डर लिखना चाहें तो जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज 1/N, क्योंकि वन जोन्स है ये तो फिक्स है, क्योंकि अभी हमने बात की कि इसमें रो जोन थी या वो सिर्फ एक ही होगी, और यहाँ पे जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को, कि इसमें कॉलम्स जितने मर्जी हों हमें उनसे मसला नहीं है।
तो पेपर में एक एमसीक्यूज आ जाता होता है कि बताएं रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा याद रख लें, रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/n होगा। तो बेटा इसी तरह मूव करते हैं नेक्स्ट इसकी टाइप टू की तरफ, कि टाइप टू में क्या क्या होगा। तो बेटा टाइप टू में हमारे पास आ जाता है सेकेंड टाइप में कॉलम मैट्रिक्स। बेटा अब देखें, जैसे आपको यहां पे आइडिया आ रहा था रो मैट्रिक्स को देखते हुए कि रो मैट्रिक्स में एक ही रो थी, तो कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल सेम होगा। कॉलम मैट्रिक्स कैसे सेम होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी भी, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा हो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बात ऐसे है कि जैसे यहां पे बात की थी कि एक रो होनी चाहिए कॉलम जितने मर्जी हों, सिमिलरली यहां पे भी बात वही है कि एक ही कॉलम होना चाहिए रोज जितनी मर्जी हों। तो बेटा अगर इसकी एग्जांपल लिखना चाहें हम, तो फॉर एग्जांपल अब आप देखें, हम हर वो मैट्रिक्स इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं जिसमें एक कॉलम होगा लेकिन रोज जितनी मर्जी हो। तो फॉर एग्जांपल सी लिख लेते हैं 5, 7, -9। अब आप देखें कि इस वाले मैट्रिक्स में तीन रोज हैं और एक कॉलम है, अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो 3/1। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं डी की, -8, -10। तो ये देखें, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक ही कॉलम है, रोज जितनी मर्जी हो रोज चेंज होती रहेंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि हर वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें एक ही कॉलम होगा। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/1। अब आप एक बात पे गौर करें कि इसमें जब हमने बात की कि कॉलम एक ही होना चाहिए तो दोनों का कॉलम जोन सा है वो सेम है, मतलब इसमें भी वन है इसमें भी वन है, लेकिन उसकी रोज चेंज होती जा रही है। जैसे इस एग्जांपल में इसकी रोज 2 है, इस एग्जांपल में इसकी रोज 3 है। तो फिर अगर हम बात करें इसके भी जनरल ऑर्डर की, जनरल ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज, इसका हमारे पास आ जाएगा m/1। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और 1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहां पे 1 फिक्स है कि मतलब कि आप m की जगह पे जो मर्जी नंबर लगाते जाएं, लेकिन 1 जोन सा वो 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है और इसमें कॉलम जोन सा वो एक ही रहना है। तो बेटा ये थी हमारे पास इसकी टाइप 2। अब हम मूव करते हैं इसकी टाइप 3 की तरफ। तो बेटा टाइप 3 में हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बेटा बात करें तो अगर आपको मैं कहूं कि कुछ लम्हे के लिए आप भूल जाएं कि मैट्रिक्स भी हैं, आप सिर्फ बात करें रेक्टेंगल की कि रेक्टेंगल क्या होती है। आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखाऊं तो ये देखें, दीज शेप्स आर कॉल्ड रेक्टेंगल्स, कि रेक्टेंगल्स हमारे पास इस शेप की होती हैं। तो बेटा आपको यहाँ से इन शेप्स को देख के क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि इसकी जो एक साइड है वो दूसरी साइड से या ज़्यादा है या कम है। कि ये देखें, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है। तो अगर हम मैट्रिक्स में बात करते हैं तो ऐसे नंबर जो इस वे में लिखे जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं।
और ऐसे नंबर जो वर्टिकली लिखे जा रहे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो बेटा यहीं से हमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मिल गई कि हर वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें उसकी रोज और उसके कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपल सी बात है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर जोन है, रेक्टेंगल शेप है, वो बनती ही तब है जब उसमें उसकी लेंथ और उसकी विड्थ जोन सी है वो इक्वल नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें, तो एग्जाम्पल के लिए देखें आप कोई भी मैट्रिक्स लिख लेते हैं लेकिन कंडीशन यही है कि उसमें नंबर ऑफ रोज जोन सी हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स में तीन रोज हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो कॉलम्स हैं वो तीन से कम होंगे या ज्यादा होंगे, लेकिन वो तीन नहीं हो सकते। तो 1, 2, 5, 9, 7, -3। अब आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है। तो क्या 3 और 2 इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसीलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 1, 7, 9, 2, -5, 3। तो बेटा जी ये देखें कि इसमें भी हमारे पास इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जो आपने कंसेप्ट इसका याद रखना है कि हर वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें उसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इसकी टाइप 4। तो टाइप 4 में आ जाता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा ये भी बिल्कुल जैसे हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर किया कि हमने सबसे पहले देखा था कि रेक्टेंगल्स क्या होती हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। तो बेटा आप जरा थोड़ा सा सोचें कि स्क्वायर क्या होता है। तो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि स्क्वायर ऐसी शेप्स होती हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, या उसमें जो उसकी लेंथ होती है वही उसकी विड्थ होती है, मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो उनसी है ये इक्वल होती हैं। तो बेटा ये स्क्वायर कहलाते हैं। अब आपको पता है मैट्रिक्स में जो नंबर इस अरेंजमेंट में लिखे जा रहे होते हैं इनको कहते हैं रोज, और जो नंबर इस अरेंजमेंट में लिखे जा रहे होते हैं इनको कहते हैं कॉलम्स। तो बेटा फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि हर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। के बेटा हर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। अगर इसका आपको डेफिनेशन का एक हिंट दूं कि एक अल्फाज में डेफिनेशन डिफाइन हो जाए,
तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसकी एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल आ जाएगी इसकी, एग्जाम्पल लिखते हैं, हर वो मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, बेटा अब आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, -3, 4 और 5। अब आप देखें कि इसमें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू 1, 7, 9, 2, 3, -1, 0, 1 एंड 3। अब आप देखें कि इसमें तीन रोज हैं और तीन ही कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स हो गया जो कि स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसमें जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो बेटा ये था हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स। अगर मैं अब तक का आपको थोड़ा सा रिव्यू दूँ कि हमने शुरू कहाँ से किया, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स से शुरू किया जिसमें हमने रो मैट्रिक्स के बारे में बात की, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात की और स्क्वेयर मैट्रिक्स के बारे में बात की। तो बेटा यहाँ तक आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डेफिनेशन में, किसी तरह की भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेटा ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स जो से हैं वो हमारे दिए गए हैं, आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। तो बेटा अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप 5 आ जाएगी नल मैट्रिक्स की, नल आर जीरो मैट्रिक्स के। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कौन से होंगे और इसमें क्या कुछ आता होगा? तो बेटा नाम से पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, हर वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगा या नल मैट्रिक्स होगा जिसकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड नल या जीरो मैट्रिक्स, के हर वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब नल मैट्रिक्स को मोस्टली हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेटा इसमें ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, ना हम ये कहेंगे कि इसमें 1/2 होना चाहिए, ना हम ये कहेंगे कि इसमें इतनी रोज होनी चाहिए, इतने कॉलम्स होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये वाली लिमिट्स नहीं है, तो हम किसी तरह का भी लिख सकते हैं। बस एक ही बात है कि उसके सारे एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है, उसका ऑर्डर जिस तरह का मर्जी हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, नल मैट्रिक्स कहलाएंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो बेटा ये था हमारे पास नल मैट्रिक्स। बेटा आप लोगों के लिए एक होम टास्क है कि आप सब ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कॉलम मैट्रिक्स भी होगा और रो मैट्रिक्स भी होगा, मतलब कि एक मैट्रिक्स ऐसा बताना है जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। और बेटा दूसरी बात ये है कि ये बेसिक डेफिनेशन हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, जब भी हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं, उसे शुरू कर रहे होते हैं, तो उसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं, जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, डेफिनेशंस हैं, जब तक हमारी वो अच्छे से क्लियर ना हो, उनके ऊपर अच्छे से ग्रिप ना हो,
तो हमें चीज़ें उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं हो रही होती। तो बेटा आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से ज़रूर याद करना है, स्पेशली इसकी एग्जांपल्स पे फोकस करना है कि आपको इसकी एग्जांपल्स खुद से लिखनी आए। तो बेटा आप लोगों का एक होम टास्क ये है कि आपने मुझे वो एग्जांपल बतानी है कि कौन सा वो मैट्रिक्स होगा जिसमें जो कॉलम मैट्रिक्स भी होगा और रो मैट्रिक्स भी होगा। और बेटा आप साथ साथ ये काम करते रहें, आपको जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आए आप हमसे ज़रूर शेयर करें, उसे इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। बुक मैं एक मिनट स्टॉप करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था जिसमें हमने 5 टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी हैं। तो आपने बेटा इनको अच्छे से क्लियर करना है, जो भी आपकी मुश्किलात हैं आपने वो ज़रूर शेयर करनी है ताकि उनको क्लियर किया जा सके। तो बेटा अब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।